लोग हंसने का इंतजार कर रहे हैं बाहर, आपके हारने का इंतजार कर रहे हैं। मैं आपको फिर कहना चाहता हूं, लोगों को इस देश के अंदर बुरे लोगों से कभी तकलीफ नहीं होती। ध्यान से सुनना, इस देश में लोगों को बुरे लोगों से कभी तकलीफ नहीं होती, इस देश में लोगों को अच्छे लोगों से तकलीफ होती, क्योंकि अच्छे लोगों के सामने उनको अपना ज्ञान, अपनी नॉलेज थोथी लगती है। थोथा समझते हैं ना, थोथा ज्ञान, क्योंकि अच्छे लोगों के सामने तो वो नंगा हो जाता है। ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया, क्या कोई डाकू था? ईसा मसीह को टांगा सूली पे, साला सूली पे चढ़ा दिया, कीले ठोक दी हाथ में, देखो। और मजे की बात जानते हैं क्या, जिन्होंने सूली पे टांगा वो भी बुरे लोग नहीं थे। आप ही की तरह हमारी तरह लोग होंगे, मंदिर मस्जिद जाने वाले लोग होंगे, पूजा पाठ करने वाले लोग होंगे। क्यों टांग दिया जानते हैं? क्योंकि ईसा मसीह की नॉलेज के सामने उनकी नॉलेज जीरो हो चुकी थी। और कहते हैं कि हमेशा से एक प्रॉब्लम है, आंख वाला आदमी जब अंधों की बस्ती में जाता है तो अंधों को तकलीफ होती है। जब तक आंख वाला ना जाए अंधों को कोई तकलीफ नहीं। अंधों को आदत हो जाती है अपनी जिंदगी में रहने की, उनको जिंदगी वैसे ही बढ़िया लगती है, ना कहीं ठुकते हैं ना कहीं गिरते हैं, बिजली ऑन करें ना करें, क्योंकि उनको कोई तकलीफ नहीं, क्योंकि वैसे ही आदत बन जाती है, वैसा रहन सहन हो जाता है, कहीं टेबल पे नहीं टकराते, सब अपने आप बढ़िया काम करते हैं। लेकिन जब आंख वाला चला जाता है तो फिर उनको अंधेपन से तकलीफ होनी शुरू हो जाती है। तब तक नहीं थी जब तक गया नहीं था, कंपैरिजन शुरू होता है। तो जैसे जैसे आप ग्रो करते जाएंगे, लोग अपने आप से आपको कंपैरिजन करते रहेंगे, वो कहेंगे यार हमको 10 साल हो गए साला नौकरी करते करते, हमारी तनख्वाह 50,000 रुपए नहीं है, ये 19 साल का लड़का 1,00,000 रुपए कैसे कमा रहा है। मतलब उनको तकलीफ होगी क्योंकि कंपैरिजन करेंगे। अब बाहर बैठ के उनको लगे डाउनलोड मौज।